मैं एक हस्बैंड हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाकमास पाकिस्तानी वाइफ हूँ यार। हालत है तो यार, देखो मैं औरतों के हकूक के लिए बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए कि बुराई दोनों जगह होती है, मर्द भी बुरा होता है। जैसे ही मर्द अपने बाप की जायदाद लेके बेचने करता है, वहीं पीछे औरत बोलती है हे हे पैसा मिलेगा। यार माफ करना, बहुत से पाकिस्तानी ड्रामे देखो पर इन्फ्लुएंस। तो यार आज मैं बात करना चाहता हूँ हस्बैंड्स की, और जो यहाँ पे बोल रहे पाकिस्तान में आएगा। तो यार एनिमे हस्बैंड तो यार जैसे हमारी हम छड़े लोगों की होती है वाइफूज, वहां छड़े लड़कियों की होती है जिनको लोग बहुत डीमे एडीएम्स करते हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी एनिमे हस्बैंड रखती है क्योंकि भाई स्टैंडर्ड होता है। तो यार एनिमे हस्बैंड का किस्सा यही है कि सीधा समझो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर उसको अपना हस्बैंड बना दिया, एनिमे उसमें डाल दिया है क्योंकि मैं एक एनिमे चैनल हूँ। तो यार अगर मैं एनिमे के बिना कंटेंट बनाऊंगा तो तुम लोग तो देखोगे ही नहीं, क्योंकि यार पाकिस्तानी की वीडियो थोड़ी अच्छी होगी। सब्सक्राइब तब किया है क्योंकि एनिमे चैनल है, बढ़ेगा एनिमे आएगा। खैर व्हेन इट कम्स टू एनिमे हस्बैंड तो औरतों के बहुत ही अजीब किस्म के हैं, लेकिन मैं माइंड नहीं करता। तो यार देखो एनिमे हस्बैंड उसका मैं भी समझता हूँ, लेवाई एकरमैन को बनाना, लीवाई एकरमैन को। देखो इधर मैं ये फुल सूट वाला रख के बैठा हूँ, तो यार वो मेरे सामने आता है तो मैं भी शर्ट निकाल देता हूँ, लेकिन फिर समथिंग लाइक समवन लाइक अकेची गोरो जो मतलब अपनी डैडी इश्यूज की वजह से लोगों का मर्डर कर रहा है, फिर बोलना कि यार बच्चा ही तो था, मसले ही थे, वो हस्बैंडो वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। सीधी बात बता रहा हूँ, हस्बैंडोज होने चाहिए, हो तुम्हारी मर्जी, मैं कौन सा तुम लोगों को रोकूंगा, भाई मैं खुद वाइफ यूज रख के बैठा हूँ। लेकिन एक चीज अच्छी है हस्बैंडोज की कि भाई जो औरतें हैं ना हमारी तरह, मतलब जो मर्द है ना अंडर एज नहीं रहते। हाँ मुझे पता है थोड़ा अंडर एज वाला होता है, लेकिन वो अंडर एज लगते नहीं हमारी तरह, नहीं लोली ड्रैगन यहाँ पे पड़ी है उसको बोल दिया मेरी वाइफ नहीं, या तागा किसान है तो यार मेरी वाइफ, ऐसा हम मर्द करते हैं यार, माइंड मत करना, मैं भी मर्द हूँ तो सच्चाई करूंगा। अब यार व्हेन कम्स टू हस्बैंड उनका तो मुझे इतना पता नहीं, देखो यार मैं खुद मर्द हूँ इतना मुझे इतना पता है यार मेरा हस्बैंड है ही अस्तोल। आज ही मैं रात को डिनर में जाऊंगा स्पीड वैगन, मैं अस्तोल को पूरा ऑन सीन, और तुम लोग भी बताओ घर बैठो अपनी वाइफ को पकड़ो हस्बैंडों को पकड़ो और रो कि वो असली नहीं होगा। दूसरी बात यार और का एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मैंने माय हीरो एकेडमी कम्युनिटी में बहुत देखा है, मर्द इस पर इतना नहीं करते, शायद करते हो मर्द से अच्छे हैं, लेकिन मैं देखा है जो सारा ये गे वाला सिस्टम है, ओ बापू टेकू बेचारी उन्हें लगता वैसे भी नहीं बापू के साथ डाल किया जिसने उसको फादर मारे थे क्या ये सब औरतें ही कर रही है। तो यार शायद अगर वो लॉलीज को नहीं करती हो शायद इन चीजों को करती है। खैर यार इस पे मैं ज्यादा इन डीप नहीं जाऊंगा, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। ये एक मैंने थोड़ी फनी टाइप कोशिश की अपनी बेइज्जती करने की, लेकिन क्या होता है यार सब्सक्राइब करो यार, तुम मुझे सब्सक्राइब पता है नहीं करते पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और इधर मैं चुपचाप बैठा हूँ, आ जाएगा बस 10 साल दो फिर तो तुम मुझे लानत ही मारोगे। लेकिन यार आज के लिए इतना ही, हस्बैंडोज वाइफूज लोलीज ट्रैप्स एस्टोल फॉर वीआईपी जबरदस्त नारुतो कुरामा बीस सब, इतना ही मेरे लिए आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ मेरे नाकमस। ये थोड़ी अजीब वीडियो थी मुझे पता है, शायद ये पार्ट में डालोगे नहीं, शायद डाल दूँ। खैर मैं नाकमस आज के लिए इतना ही, सही है फिर नाफी सयोनारा। और यार तुम में से जिसको काजुमा पसंद है यार ये बताओ ये क्या सीन है।